हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरे पास ओप्पो K1 की ओरिजिनल GKK 360 कवर। कैमरे को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। ये ओरिजिनल GKK कवर है, 360 कवर इसको बोलते हैं, और ओरिजिनल ही जिसने यूज़ किया है उसको क्वालिटी का पता कि क्या क्वालिटी इसकी होती है। बाकी 90% मार्केट में फेक फर्स्ट कॉपी इसके डुप्लीकेट अवेलेबल है, और जिन्होंने भी डुप्लीकेट्स यूज़ किए हैं उनको पता है कि वो 2 से 4 दिन ही चलते हैं, कलर भी उनका उतर जाता है। सेट से अगर आपका फ़ोन गोल्डन कलर का है तो इसका जो रेड कलर है, फिर ब्लू कलर में जो आता है उसका कलर चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ कैसा है, और आप देख सकते हैं इसका पैकेट कैसे आता है, इसकी पैकिंग कैसी है। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ओप्पो K1 R15X और RX17 न्यू पर भी सेम कवर ही लगता है, ऊपर बार कोड दिया गया है, कोई यहाँ पे प्रिंट नहीं है, बिल्कुल स्टिकर लगाया गया जो ओरिजिनल बार कोड होता है, आप देख सकते हैं। और अभी हम दिखाते हैं, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिए, मेक समथिंग डिफरेंट GKK, मेक समथिंग डिफरेंट। ये ओरिजिनल पर ही मिलेगा। अगर आप ओरिजिनल और जो फर्स्ट कॉपी GKK अवेलेबल है मार्केट में उनका एक कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया है, जो 2-3 क्वालिटी आती हैं फेक में भी डुप्लीकेट में भी, वो मैंने प्रॉपर बताया गया। उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि भैया कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा फर्स्ट कॉपी है। अंदर का ये आपको इस तरह का मिलेगा ओरिजिनल में, और पीछे पूरी इसकी इंस्टॉलेशन गाइड होगी, आप देख सकते हैं कैसे इसको लगाना है और कैसे इसको चढ़ाना है। एक्चुअली ना क्या होते हैं कि 3 पार्ट में ये आता है, और तीनों पार्ट के बारे में बताया गया कैसे इसको लगाना है, फिर कैसे इसको रिमूव करना है। और इसका जो मटेरियल है वो हार्ड प्लास्टिक से बना होता है, ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, रबड़ का नहीं बना होता, रबड़ इसके ऊपर कोटिंग होती है ताकि रबड़ का ही फील होता है हमें। और यहाँ पे भी लिखा गया है मेक समथिंग डिफरेंट, ओप्पो K1 की ब्रांडिंग दी गई है कि ओप्पो K1 पर लगे है डिजाइन बाय GKK। और इसी तरह शायद आपको दिखे तो इन पर भी K1 लिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पर भी लिखा गया है, अगर कैमरे में अच्छे से आ रहा है तो। और फ्रेंड्स, इनकी एक वेबसाइट भी है, मैं आपको बताता हूँ, ये वेबसाइट है, आपके पास जो भी फ़ोन है उसका मॉडल नंबर डाल के इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं क्या उस फ़ोन के लिए आता है या नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लगाते हैं। मटेरियल के बारे में बता दिया मैंने कि पूरा टोटली प्लास्टिक के होते हैं ये, और फ़ोन को प्रॉपर सेफ रखते हैं, इनका फ़ायदा यही होता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको ये मिलती है, जबकि जो डुप्लीकेट्स आते हैं उनमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती। अब मैं इसको अपने कवर को रिमूव कर लेता हूँ, ये इसके बॉक्स में आया था, और मैंने 2-3 कवर की और रिव्यू किया था 2-3 दिन पहले की वीडियो में, उसमें जो लेदर कवर थे उनका रिव्यू किया था मैंने, उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस तरह से आपने ये लगाना है, और ये इसका ऊपर का पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे, ये लग चुका है। और नीचे का पार्ट भी हम इसी तरह लगाएंगे, ये देखिए। जबकि जो फर्स्ट कॉपी होते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ये यूज़ किया तो उनको पता है कि भैया डुप्लीकेट लगाना इतना आसान नहीं होता फ़ोन को। और इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जो फिनिशिंग है, और जो अटैचमेंट है यहाँ पर बिल्कुल सट के आया हुआ है, कहीं पे कोई गैप नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहीं पर कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर आया हुआ है। और इसके लगने के बाद जो ये लुक है काफ़ी अच्छी होती है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ब्लैक प्लस रेड का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे ब्लैक प्लस ब्लू आता है, गोल्डन आता है, पिंक आता है, पिंक कंप्लीट पिंक आता है, ऊपर और नीचे से पिंक होता है, और एक पूरा ब्लैक आता है, और एक ब्लैक प्लस सिल्वर का कॉम्बिनेशन आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, बटन की देखिए, बटन की बहुत अच्छे से फीडबैक है, और अब वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए।
और इसी तरह ये भी। मैंने यहाँ पर गैसर इनेबल किए, तो जो आपको अभी दिखा देता हूँ गैसर इनेबल करके कि कैसे ये काम करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गैसर काम कर जाते हैं, जबकि जो फर्स्ट कॉपी होते हैं उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, गैसर इस तरह से काम नहीं करते। ये देखिए काफ़ी अच्छे से गैसर इसके काम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स जो मुझे अच्छी लगी इस बात में इस कवर में कि जो यहाँ पर जो इसकी कैमरा है कि जो कटिंग होती है बिल्कुल प्रॉपर दी गई है, और जबकि इसमें देखोगे तो आप इसमें ओपन दी गई है और नीचे का जो कलर है वो हमें दिखता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। और ऊपर एक होल है माइक्रोफोन, उस पर काफ़ी अच्छे से होल किया गया है, आगे से स्पीकर के लिए जगह छोड़ी गई है, और नीचे से ये देखिए 1x1 होल किया गया है स्पीकर में के लिए। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जैसे कि ओरिजिनल में है, हमारे फ़ोन की बॉडी जो ओरिजिनल है उसमें ये होल्स हैं, उसी तरह इसमें भी ये होल्स दिए गए हैं, देख सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पर हेडफोन जैक है, फिर एक माइक्रोफोन है, और ये यूएसबी पोर्ट के लिए है। मैं आपको यूएसबी पोर्ट लगाकर आपको दिखाता हूँ कि कहीं पर कोई दिक्कत है या नहीं है। ये देखिए मेरा फ़ोन ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है, और आप ये फिर से देखिए काफ़ी अच्छी फिटिंग है। और ईयरफोन लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए ईयरफोन भी काफ़ी अच्छे से इसमें लगती है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, और आप आसानी से लगा सकते हो और आसानी से हटा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, इसका कैमरा थोड़ा सा बाहर है, इसका क्या आजकल जो भी स्मार्टफोन्स नए लॉन्च हो रहे हैं सबका कैमरा थोड़ा सा बाहर होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस केस में भी ये आपके फ़ोन की काफ़ी अच्छे से सेफ्टी करेगा, क्योंकि कैमरा जो बॉडी से बाहर होता है, या आपने जब निकालना हो तो आप थोड़ा सा नाखून इस तरह इस पर लगाना और इस तरह से इसको उठा देना है, ऐसे दोनों तरह से, और इस तरह से भी इसको निकालना है तो जहाँ पर सिंगल बटन है वहाँ से हमें इसको निकालना है, ऐसे करना और आसानी से निकल जाएगा। इसका कैमरा आप देखोगे तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से, तो देखिए कितना बाहर की तरफ है कैमरा। अगर हम फ़ोन को ऐसे रखते हैं तो इस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं, कोई बार कोई भी हमारे फ़ोन को ऐसे इधर उधर करेगा तो स्क्रैचेज आ जाते हैं, और आजकल जो फ़ोन में मेन कैमरा ही होता है, तो इसलिए इस कैमरे के कवर पर कैमरा के बाहर आपको ये आउटलाइन दिख रही होगी, ये देखिए, तो उसमें भी ये हमारे कैमरे को सेफ रखेगा बिल्कुल। ये देखिए कैमरे की जो एक आउटलाइन है उसके ज़रिए हमारे कैमरे इसके अंदर रहेगा और कैमरे पर स्क्रैचेज नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा ये कवर है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 300-400 कई बार 500 तक चली जाती है, बट अप्रोक्स 300-400 ही रहती है, और डिपेंड करता आप कौन सी सेलर से खरीद रहे हो, कौन सी वेबसाइट से खरीद रहे हो। इसकी जो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं। तो पहले मैंने A7 2018 के लिए वीडियो बनाई थी, जो सैमसंग का फ़ोन है उसका कवर अभी तक ये चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ, जबकि उसको 3-4 महीने होने को हैं, और जो डुप्लीकेट आते हैं वो हफ्ते में ही टूट जाते हैं, ये सबको पता है। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।